हेलो फ्रेंड, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गार्लिक ब्रेड एंड टोमेटो बेसिल सूप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे हमने रेडीमेड बड़ी एंड मोटी वाली ब्रेड आते हैं ना, वो हमने लिया है। तो ये ब्रेड को हम कट करके रेडी करेंगे। तो ब्रेड की साइज हम थोड़ी सी थिक रखेंगे, मतलब ये स्लाइस में जो बना रहे हो ना वो थोड़ी मोटी रखूंगी। आप अपना हिसाब से ब्रेड को कट कर सकते हो। तो लीजिए, हमने ब्रेड को कट करके रेडी कर लिया है। तो ये ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए हम मसाला की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अनसोल्टेड बटर लिया है, एक स्टिक हम यूज़ करेंगे। तो ये आधा कप जितना बटर है, तो बटर को कट करके हम एक बाउल में ले लेते हैं। ये बटर को हम थोड़ा सा माइक्रोवेव करेंगे। तो लीजिए, हमने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। तो ये बटर के अंदर हम एक्स्ट्रा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे हमने गार्लिक पाउडर लिया है, जो रेडीमेड मिलता है ना वो वाला लिया है। उसके बाद इटालियन सीजनिंग, उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स, उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये गार्लिक ब्रेड में हम रेडीमेड जो ड्राई गार्लिक पाउडर आता है वो भी हम यूज़ करेंगे, और ये जो रेगुलर हम लहसुन को यूज़ करते हैं ना वो भी यूज़ करेंगे। तो 2 टेबलस्पून जितना गार्लिक पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून जितना बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून जितना इटालियन सीजनिंग, 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स, आधी स्पून जितना नमक, आधी स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये मसाला आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना आपको पसंद है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ये गार्लिक वाला जो बटर है ना वो ब्रेड के ऊपर अच्छा खासा लगाएंगे, ताकि गार्लिक ब्रेड खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। गार्लिक ब्रेड हम ओवन में बेक करने वाले हैं। तो बेक करने के लिए यहाँ पे हमने एक मोटी वाली ट्रे लिया है, उसमें हम ब्रेड रखेंगे। आप चाहे तो ये गार्लिक ब्रेड तवा पर भी सेक सकते हो। तो हम ये ब्रेड के ऊपर मसाला लगा लेते हैं, दोनों साइड लगाएंगे और साइड में भी थोड़ा सा लगाएंगे, ताकि ये जो बॉर्डर है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। तो लीजिए, यहाँ पे हमने ब्रेड के ऊपर अच्छा खासा मसाला लगा लिया है। तो ये गार्लिक ब्रेड को हम ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं। तो ये साइड हमारी गार्लिक ब्रेड बेक हो रही है, तब तक हम बेसिल टोमेटो सूप भी बना लेते हैं। तो बेसिल टोमेटो सूप बनाने के लिए यहाँ पे हमने एकदम बढ़िया वाला पका हुआ टमाटर लिया है। तो ये टमाटर की हम प्यूरी बनाएंगे। तो लीजिए, हमने 5 मीडियम साइज का टमाटर की प्यूरी बना लिया है। टमाटर की प्यूरी बनाने के बाद मैंने छान लिया था, प्यूरी में बिल्कुल सीड भी नहीं है और स्किन भी नहीं है। तो चलिए, हम इस साइड गैस पर एक बर्तन रख के 1 टेबल स्पून जितना ओलिव ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, तो उसमें 1 टेबल स्पून जितना बारीक कट किया हुआ लहसुन, आधी स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे, ये लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम भूनेंगे। तो लीजिए, हमारा लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो ये साइड हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाया था ना वो पूरी की पूरी डाल देते हैं। तो अराउंड 2.5 कप जितना टोमेटो प्यूरी है, ऊपर से आधा कप जितना एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। उसके बाद 3 टेबल स्पून हमने टोमेटो केचप लिया है, उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक,
तो ये सूप को हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर भी कच्चा ना रहे, और बीच में हम इस तरह से हिलाते भी रहेंगे। 5 मिनट के बाद हम सूप को देख लेते हैं। तो लीजिए, ये सूप में उबाल भी आ गया है और टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। ये सूप को हमने टेस्ट भी किया था तो ये सूप परफेक्ट बना है। तो ये सूप तो हम बेसिल टोमेटो सूप बनाने वाले हैं, तो बेसिल के पत्ते भी ले लेते हैं। तो बेसिल आपको जितना पसंद है उतना ले सकते हो। तो अराउंड हम 7 से 8 बेसिल के पत्ते लेके एकदम बारीक बारीक कट करके सूप में डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद आधा कप फ्रेश क्रीम डालेंगे, तो क्रीम भी आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम बंद करके हम ये सूप गैस ऊपर से नीचे ले लेंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे। क्रीम डालने के बाद सूप को ज्यादा नहीं पकाना है। और दूसरी साइड हमारी गार्लिक ब्रेड भी बेक हो चुकी है, परफेक्ट हमारी गार्लिक ब्रेड बन गई है। गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड हो और उसके साथ गर्मा गर्म टोमेटो बेसिल सूप हो, खाने की मजा आ जाती है। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म बेसिल टोमेटो सूप भी रेडी है और गार्लिक ब्रेड भी रेडी है। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ठंडी की सीजन हो या बारिश की सीजन हो, दोनों सीजन में ये गर्मा गर्म सूप एंड गार्लिक ब्रेड खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।